जादूगर मलतूर राजीव का प्रणाम स्वीकार करें। ट्रूथ ऑफ मैजिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं एक नया जादू लेकर के आया हूं। सबसे पहले वो जादू आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जादू की तरफ चलते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तीन ऑप्शंस आएंगे जिसमें ऑल को सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो जादू की रहस्य की ओर चलते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको चाहिए कि ब्रांड न्यू करेंसी एक बंडल ले लीजिए और उस करेंसी को 40 नोट पहले निकाल दीजिए। 40 नोट में से पूरा नोट को इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। पहले बीच में से ऐसा फोल्ड करना, उसके बाद ऐसा पूरा नोट को ऐसा फोल्ड करके रख देना है। उसके बाद एक दूसरा नोट ऐसा फोल्ड किया हुआ लेना, ऐसा फोल्ड किया ऐसा, और इसका दो पॉकेट्स होंगे, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो राइट हैंड के लिए जब हम बनाते हैं तो राइट वाला पॉकेट में इस नोट को डाल दीजिए और इकट्ठा पकड़ लीजिए। एक और नोट ऐसा ले लीजिए, राइट वाला पॉकेट के अंदर डाल दीजिए, ये पूरा ले लीजिए इसे। और एक नोट लेना है राइट वाला पॉकेट में, ये पूरे को डाल देना है। दूसरा नोट लेना, ऐसा फोल्ड किया हुआ है, ये राइट वाला पॉकेट में पूरे को डालना। इस तरह से 10 नोट को दाहिने हाथ के लिए बना देना है। ऐसा बना करके क्लिप करके रख देना है पहले, और 10 नोट को लेकर के बाएं हाथ के लिए बनाना है। बाएं हाथ के लिए कैसा बनाना है, उसी सेम तरीके से नोट को फोल्ड किया। इसे पहले हमने ये राइट वाला पॉकेट में डाला था, अभी हम लेफ्ट वाला पॉकेट में डालेंगे इसका। इसको लेकर के लेफ्ट वाला पॉकेट में अगला नोट लिया, इसका लेफ्ट वाला पॉकेट में। इसी तरह से 200 नोट को लेकर के उसका लेफ्ट वाला पॉकेट में इस तरह से डाल करके ऐसे रख देना है। दो बंडल हो गया। अभी एक तीसरा इसी तरह से बनाना है, और राइट हैंड के लिए बना करके इसको इस तरह से क्लिप करके दाहिने पॉकेट में डाल कर रखना है। और 10 नोट का एक और बंडल बनाना है, और ये लेफ्ट हैंड के लिए बनाना है। इसको भी क्लिक करके इसके पीछे ये जो हैट रखा हुआ है इसके पीछे ऐसे रख दीजिए। अभी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले इसमें से एक को ले लीजिए, ये राइट हैंड वाला है, दाहिने हाथ वाले को लेकर के
यहाँ पर इसे पामिंग कर दीजिए, ये अंगूठा इसके अंदर डाल करके थोड़ा ओपन कर दीजिए और इसको पामिंग कर देना है। इसे ऐसा पामिंग करने के बाद ये अंगूठा ऊपर उठा देना है, ये इस तरह से रहेगा। जब भी हम चाहे इसके अंदर अंगूठा ऐसे डाल पाएंगे। अब उसी तरह से बायां हाथ वाला सेम तरीके से पामिंग करना है। यहाँ पर ऐसा पामिंग करना है, ये अंगूठा इसके अंदर डाल करके थोड़ा ओपन कर देना है और इसको यहाँ पर ऐसे पामिंग कर देना है। ये भी दोनों हाथ से अभी हम ये अंगूठा जब भी चाहे इसके अंदर डाल सकता है। इस तरह से पामिंग करने के बाद दो कार्ड को ऐसा लेकर के दिखा देना है और एक कार्ड को ऐसा फेंक देना है और तुरंत ये अंगूठा इसके अंदर डाल देना है। और ये जो मूवमेंट जरूरी है, सबसे पहले पीछे की तरह खींचना है और लेफ्ट की तरह और ऊपर, ये एक नोट ऐसा खुल करके आ जाएगा। जैसा ये खुल करके आ जाता है, ये उंगली लेकर के यहाँ पर रख देना और ये जो बाकी जो करेंसी है उसको कंट्रोल कर देना। इसको थोड़ा पीछे खींचना पड़ेगा आपको। उसके बाद बाएं हाथ वाला था इसको फेंक दीजिए, इसके अंदर अंगुली डाल करके उसी तरह से थोड़ा सा पीछे राइट साइड में और ऊपर, और तुरंत ये उंगली लेकर के इसको कंट्रोल कर दीजिए। दो नोट आ गया। अभी एक एक नोट को इसी तरह से निकाल देना है। इसको फेंकना, इसको थोड़ा पीछे लेफ्ट ऊपर, दूसरा खुल जाएगा। ये उंगली से बाकी नोट को कंट्रोल करना, सेम तरीके से इसको फेंकना, थोड़ा सा नीचे लेफ्ट ऊपर, ये उंगली से इसको कंट्रोल कर देना। इसी तरह से पूरा नोट को आपको निकालना है। इसको लेकर के थोड़ा सा नीचे खींचना लेफ्ट और ऊपर, एक नोट खाली खुल जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा नीचे लेफ्ट ऊपर, खाली एक नोट खुल जाएगा। इस उंगली से इसको कंट्रोल कर दिया, इसको फेंक दिया, फिर उसी तरह से इसको फेंक दिया, सेम तरीके से। लास्ट वाला जब आ जाता है तो एक ही नोट रहेगा, इसको खिसकाने के लिए कुछ रहेगा नहीं। तो इसको यहाँ पर उंगली डाल करके इसको खोल दीजिए। ये लास्ट वाला आ गया, यहाँ पर उंगली डाल करके इसको खोल दिया। अभी ये दो नोट है, इसको बाहर फेंकना नहीं है, इसको ऐसा हाथ में रखना और थोड़ा राइट साइड में घूम जाना और जो पॉकेट में डाला हुआ जो बंडल है उसको उसी तरह से हाथ में ले लेना और पॉकेट में ही इसको निकाल देना। ये जो क्लिप लगाया हुआ है उसको पॉकेट में ही निकाल देना है, खाली इसको इस तरह से लेना है और इसको ऐसा पकड़ करके ये हैट को लेना है। उससे पहले आपको क्या करना है, राइट साइड वाला जो है पामिंग कर दिया, ये नोट हाथ में है। अभी ये हैट के पीछे जो एक बंडल रखा हुआ है ये वाला, इसको भी लेकर के ये क्लिप को निकाल देना है और इसी तरह से पामिंग कर देना है। अब इसको पामिंग करते हुए ही यहाँ से लिया, पामिंग किया, इसको ले लिया। अब दाहिने हाथ से प्रोडक्शन कर दीजिए, ये पूरे को हैट के अंदर डाल दीजिए। इसे सेम तरीके से निकालना है, इसे पकड़ना पीछे लेफ्ट ऊपर, पीछे लेफ्ट ऊपर, ये लास्ट वाला है, इसको यहाँ पर लेकर के खोल देना है। जब ये खुल जाता है तो ये हाथ बदल देना है, ये हैट को राइट हैंड में लेना है और बाएं हाथ में जो पामिंग किया हुआ है उससे प्रोडक्शन शुरू कर देना है। इसका भी सेम तरीका है, नीचे लेफ्ट साइड में ऊपर फेंक दिया, नीचे लेफ्ट साइड में ऊपर, लास्ट वाला आ जाता है, इसको यहां पर लेकर के खोल दीजिए।